नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे चैनल टैग द इंट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, ई कृषि यंत्र अनुदान के तहत किसी भी यंत्र के लिए इसका आवेदन कैसे करना है, पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया था। और उसके तहत आपने भी यदि आवेदन किया है किसी भी यंत्र के लिए, और यदि आप नाम पता करना चाहते हो कि आपका नाम सेलेक्ट हुआ या कि नहीं है, आपके नाम से जो कि आप जो भी यंत्र के लिए आवेदन किए थे वह अलॉट हुआ या नहीं, और यदि अलॉट हुआ है तो आगे की प्रक्रिया क्या करनी होगी, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और ये डॉक्यूमेंट को कहाँ सबमिट करना होगा, जानेंगे दोस्तों पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक्निकल और सरकारी और कृषि रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हम नाम कैसे पता करेंगे। सिंपल सा दोस्तों, हर बार की तरह आपको अपने मोबाइल फोन के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सिंपल सा वहां पर टाइप करना है एमपी कृषि यंत्र। और जैसे आप टाइप कर इंटर करेंगे, आप देखेंगे जो कि आपके सामने कुछ इस तरह का जो कि पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सा दोस्तों, आपको यहाँ पे कृषि यंत्र कृषि अभियांत्रिकी यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जो कि आपके सामने कुछ इस तरह का जो कि पोर्टल ओपन हो जाएगा, ई कृषि यंत्र अनुदान मध्य प्रदेश शासन का जो कि ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सा दोस्तों, आपको यहाँ पे आवेदन करें जो कि ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और कुछ टाइम वेट करना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे जो कि आपके सामने कुछ इस तरह का जो कि पोर्टल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण जानकारी, तो दोस्तों जो कि अभी अभी जो कि पोर्टल में जो कि न्यू अपडेट आई है, और यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो कि 25/6/2021 सीड ड्रिल नोट टेन के लिए जो कि सीड ड्रिल रोटोवेटर जैसे यंत्र के लिए आपने आवेदन किया था, तो जो कि जिन किसानों का नाम सेलेक्ट हुआ है, जिनके नाम जो कि यंत्र है जो अलॉट हुए हैं, उनका नाम जो कि आ चुका है। और यदि आपने भी आवेदन किया था और पता करना चाहते हैं तो सिंपल सा दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे जो कि आपके सामने कुछ इस तरह का जो कि पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सा दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना जो कि जिला है वो सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका जिला है। और जिला सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट जो कि विभाग है, विभाग पे आप कृषि अभियांत्रिकी ये सेलेक्ट करेंगे। और इसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे कृषक की जो कि कैटेगरी रहती है, आप कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिंपल सा दोस्तों, जैसे कि बात करें यहाँ पे यंत्र के, जिस यंत्र के लिए आपने आवेदन किया था, यहाँ पे जैसे कि हमने सिड्डिल के लिए किया था, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो कि लॉटरी दिनांक, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे 25 जून 2021 सेलेक्ट करना है और सिंपल सा सबमिट पे क्लिक करना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे और कुछ नीचे की ओर आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि जिन किसानों का नाम यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, जिनके नाम से जो कि कृषि यंत्र अलॉट हुआ है, यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, जो कि ग्राम है, ब्लॉक है, और जिन जो आवेदक का नाम है, जिन किसान ने इसके लिए आवेदन किया था, उनका नाम जैसे कि यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना नाम पता कर सकते हैं घर बैठे मोबाइल से। और बात करें दोस्तों जो कि आगे की इसकी क्या प्रक्रिया होगी, यदि आपके नाम अलॉट हो चुका है तो आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों, आपके में खुद कॉल किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा। और एक अच्छी बात दोस्तों ये है कि आपको ओटीपी को वेरिफिकेशन नहीं कराना है जब तक कि आपका जो कि यंत्र है उसको आप पसंद नहीं कर लो। और आप एक जगह से अगर दूसरी जगह भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों, जहां से भी आपको पसंद आए पहले पसंद कर लेना है, इसके बाद ओटीपी की प्रक्रिया को वेरिफिकेशन करवाना है। और जो कि डॉक्यूमेंट रहेंगे दोस्तों, ये वेरिफिकेशन करवाने के बाद जो कि आधार कार्ड और ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी, जो कि अकाउंट नंबर, समग्र आईडी, ये सभी डॉक्यूमेंट वहीं पे जमा होंगे। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।